Hi. Hello, everyone. Hi, guys. Hi. Hey, sorry. किसी का कॉल आ गया था बीच में. Am I audible? क्या मेरा लाइव अभी भी चल रहा है? Hi, मनीषा. Hello, Saddam. Hello, Chef. Harsh, Kadia. I got your book, by the way. Hi, Omega. Hello, Jinx. Okay, guys, I've come here, no? I've come live today to, you know, not that anything bothers me. But what has happened is, off late, मैं बहुत सारे comments, tweets, ये सब पढ़ती हूँ. तो मैं धीरे धीरे शुरू करती हूँ एक एक चीज एक एक पॉइंटर्स को लेके जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन. पहली चीज, मेरी एक पोस्ट काफी वायरल हुई थी, उसको लेके बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कैप्शंस डाले थे. वो पोस्ट का मुद्दा बहुत अलग था और बहुत ही सेंसिटिव था. उसको एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से उसको सबके सामने लाया गया. उस पर ना ही अभी क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहती हूँ और ना ही दूंगी. दूसरी चीज़, बिग बॉस को लेके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं. तो मुझे ना समझ नहीं आता. आई थिंक मुझे एक एक कंटेस्टेंट के बारे में कुछ ना कुछ, बहुत कुछ, एक्चुअली बहुत कुछ बोलना है, बट थोड़ा थोड़ा बोलूँगी. लेट्स स्टार्ट विद अर्चना, ओके? क्योंकि काफ़ी चर्चित हैं वो, इसीलिए लेट्स स्टार्ट विद हर. और काफ़ी आई पर्सनली फील उनको प्रेफरेंस बहुत दिया जा रहा है. तो या सो लेट्स स्टार्ट विद हर. तो अर्चना, वो एक, यू नो, अर्चना इज लाइक दैट शिट स्टिरर. वो सब कुछ देखेगी, सब कुछ सुनेगी और उसके बाद में वो अपनी गेम खेलेगी. शी इज वेरी क्लेवर एंड शी इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर. सेम गोज फॉर शिव. शिव इज ऑल्सो अ वेरी स्मार्ट प्लेयर. वो अपना फायदा देखेगा ही देखेगा. उसको देखना है कि वो कहाँ पे प्रोमिनेंट होता है और कौन से मुद्दे पे प्रोमिनेंट होता है. अब जब मुद्दों की बात की है तो जिस तरह प्रियंका का बोलते हैं कि प्रियंका हर मुद्दे पे अपनी एक टिप्पणी देती है, बात फैक्ट है, हर मुद्दे पे अपनी टिप्पणी देती है. बेचारे अंकित को अपनी टिप्पणी देने ही नहीं देती है. आई थिंक वो पहले दिन से लेकर आज तक चलता आ रहा है और वो आगे भी चलता रहेगा. सो आई डोंट सी वेयर दैट इज गोइंग. एनीवे, एज फार एज मैंने आज का एपिसोड नहीं देखा है, सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. मेरा शूट था एंड मैं उसके बाद में जब से मैं घर पे आई हूँ, आई हैव जस्ट बीन अ लिटिल बिजी विद वर्क. सो नाउ कमिंग बैक टू प्रियंका और अंकित के बारे में, तो मैंने कह दिया है. टीना और शालीन के बारे में क्या बोले? टीना एंड शालीन आर नॉट टुगेदर. लेट्स मेक दैट वेरी क्लियर. टीना ने बार बार एक ही चीज बोली है, बट वो बोलती है कि शी इज नॉट विद शालीन. बट जब कल रात को वो मुद्दा हुआ, उसके बाद में वो फिर भी शालीन के पास गई है. Why does she want to justify or clarify anything with शालीन? मुझे तो यही कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया. एक तरफ I won't let you go, दूसरी तरफ बोलती है यू एंड आई नॉट टुगेदर, वी आर नॉट टुगेदर, एंड मेरे को इससे साथ मत जोड़ो. या तो आप हो, या तो आप नहीं हो, या तो आपकी अच्छी दोस्ती है, या तो आपकी दोस्ती नहीं है. और जहाँ तक लोगों की बात है कि मैंने अपने सीजन में क्या क्या किया, हाँ, तो मैंने जब अपने सीजन में डायनेमिक्स चेंज होते हैं हर दिन, हर प्रोबेबली एक घंटे में वहाँ पे डायनेमिक्स चेंज होते हैं उस घर में. एंड शुरू में मेरे सीजन में भी मैं निकेतन के साथ दोस्त नहीं थी, लेकिन ग्रेजुअली जब दोस्ती बढ़ी एंड तक आई वॉन्टेड हिम टू विन. दैट वॉज द होल कॉन्सेप्ट, यू नो. उस दोस्ती वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं. दूसरी चीज, यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है इस घर में. और जब मैं कोई ट्वीट करती हूँ तो मैं किसी का कुछ लेती नहीं हूँ. बाय द वे, फॉर ऑल यू इडियोटिक ट्रोल्स, सो मैं अपना ओपिनियन देती हूँ जिस पर मुझे पूरा हक है. क्योंकि आप लोग भी मेरे ऊपर बहुत सारी ट्रोलिंग करते हो, वो आपका हक है ना. आप लोग तो जन्म से अधिकार समझते हो उस चीज को, तो ठीक है. सो नाउ दिस इज माई अधिकार, ओके? दूसरी चीज, अब बात करते हैं सुम्बुल की. तो सुम्बुल का तो मुझे आज तक कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है सुम्बुल का. नहीं, शीज, यू नो, इट इज जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम क्राइंग
too over dramatic. I mean to say, it has just, you know, bolte na, shift from 0 to 100. Sumbul is, I can't understand her. Honestly, I don't have the patience to understand her anymore. मतलब इतनी बार चांसेस दिए हैं, इतनी बार चांसेस दिए हैं उस लड़की को आंखें खोल के देखने के लिए, लेकिन आई थिंक शी इज ब्लाइंड. शी क्लियरली कांट सी एंड शी कांट थिंक स्ट्रेट. अनफॉर्चुनेटली उसके प्रॉब्लम है. और जहां तक हम अब्दू की बात करेंगे, लेट्स कम टू अब्दू. अब्दू की बात करेंगे तो अब्दू इज नॉट अ स्मॉल चाइल्ड. यस, ही इज ऑल्सो अ वेरी वेरी स्मार्ट प्लेयर. ही नोज दिस गेम, ही हैज सीन दिस गेम. He knows exactly where to talk, what to talk and how to talk. उसकी भी अपनी opinions है, you know. हाँ, shadows में सबको ही आ जाता है, हर कोई आ जाता है. यार, Big Boss is like a joint family, याद रखना. यहाँ पे कोई, you know, किसी के मतलब एक दूसरे के, कोई एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाएगा तो कोई खुद से खेलेगा. You know, it's like that. So let's get facts right. तो अब्दू को बच्चा भी मत समझे. अब्दू इज क्वाइट अ स्मार्ट प्लेयर, यू नो. और फिर आते हैं, चलो सौंदर्य पे. सौंदर्य पे तो अभी मैं क्या ही बोलूं, इन द सेंस कि यस, शी हैज हर ओन स्टैंडिंग, शी हैज हर ओन ओपिनियंस, शी वॉइसेज देम आउट वेरी क्लियरली. बट एवरी टाइम, यू नो, ट्राइंग टू बी ओवर पावरिंग कैन गेट वेरी ओवर बेयरिंग ऑल्सो. सो दैट्स माई टेक ऑन सौंदर्य. मतलब कॉन्स्टेंटली मुझे कुछ समझ में नहीं आता. ओके, फाइन. एक तरफ आप बोलते हो कि वॉट विल द आउटसाइड पीपल थिंक, वॉट विल माई फैमिली थिंक, बट देन गाइज, यॉल केम इन टू दिस हाउस ना, ऑल ऑफ यू ऑल केम इन टू दिस हाउस. आप यही सोच के आए थे क्या? आपने क्या तभी पूछा था कि हम जाएं कि नहीं जाएं? किसी ने पूछा था? आप लोग सब ये अपने अपने लिए कर रहे हो. This is for your career also. This is for your career graph as well. Let's get facts right here. Big Boss में कोई ऐसे free fund में नहीं आता है. Oh, free fund की बात करें तो, now let's get to Sajid Khan. Because nobody has ever spoken about Sajid Khan and I wonder why. Sajid Khan ने एक नहीं कई बार बोला है कि टीवी एक्टर है, टीवी एक्टर है. खुद ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था एज अ टीवी पर्सनैलिटी, एज अ टीवी एक्टर. ओके, और अब जब भी कोई मुद्दा होता है, तो जब भी कोई झगड़ा होता है, जब भी कोई कुछ बोलता है, सपोजिटली प्रियंका ने कुछ बोल दिया या अंकित ने कुछ बोल दिया या गौतम ने कुछ बोल दिया, तो तब सब टीवी एक्टर्स बन जाते हैं. रियली, लाइक व्हाट? एंड देन यू सेड, व्हाट डिड यू से साजिद? ओ, ये तो सब पर डे वाले लोग हैं. हाँ भाई, आप वहां पे फ्री में बैठे हो क्या? जल्दी बता दो. अगर आप वहां पे फ्री में बैठे हो तो बात अलग है. फ्री की बात कर, फ्री में हो तो बिल्कुल बात अलग है, तो मैं आगे नहीं बोलूंगी. ये क्लैरिफाई कर देना, क्योंकि ये बार बार ना, ये टीवी एक्टर, टीवी एक्टर, टीवी एक्टर को बोलना ना, कान में से अभी खून निकलने लग गया है मेरे. अरे हाँ, मैं टीवी एक्टर हूँ, आज मैं टीवी एक्टर हूँ, इसीलिए आज मैं यहाँ बैठी हूँ. यू नो, मेरे पास सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है, घर है, बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ है. मैं कोई रोड पे नहीं चल रही हूँ, और ना ही ये लोग जो अंदर घर पे है ना, ये लोग भी रस्ते से उठाए गए नहीं है. ये भी इन लोगों का काम है, यू नो. सो लेट्स नॉट गो डाउन दैट टीवी एक्टर शिट रोड, बिकॉज आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ इट. रियली रियली सिक एंड टायर्ड ऑफ इट. खुद को या तो फिर, या तो आप बोल दो कि यू आर फ्रॉम द फिल्म फ्रेटर्निटी. डोंट वरी, वी आर, वी रिस्पेक्ट दैट, राइट? बट डोंट से कि और टीवी एक्टर में डिस्क्रिमिनेशन है, और टीवी एक्टर में यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है तो वहां पे एक ग्रुप बना हुआ है. डोंट डू दैट, यू नो, क्योंकि ग्रुप आपने बनाए हैं. एक्चुअली स्पीकिंग साजो, ये पूरा का पूरा एक गुट आपने बनाया है, विच इंक्लूड्स शिव, स्टैन, नाउ निमृत इज ऑफ कोर्स देयर. और निमृत, बाय द वे, एक्सक्यूज मी साजिद, निमृत इज ऑल्सो अ टीवी एक्टर. सो या, लेट्स गेट फैक्ट्स राइट हियर. दिस होल टीवी एक्टर क्रैप ना, आई कांट टेक इट एनी मोर. इट्स रिडिक्युलस. और मजे की बात तो ये है कि अच्छा ठीक है, टीवी एक्टर है, पर टीवी पे ही आ रहे हैं. आप फिल्म वाले हो, आप टीवी पे क्या कर रहे हो? आप किधर हो? टीवी पे ही आता है बिग बॉस, और कहीं नहीं आता है. तो ये सब ना, ये बोलना ना बहुत आसान है. बस स्टिक टू इट, स्टिक टू व्हाट यू सेड इन द बिगिनिंग. आई कांट बिलीव यू जस्ट सेड दैट. सेकेंडली, लेट्स कम टू निमृत. निमृत ने क्या अपनी लाइफ में, मतलब आई डोंट केयर वेदर शी इज डन लॉ और व्हाटएवर, यस, बट निमृत वो बहुत सस आउट करती है, वो बहुत सारी चीजों को देखती है, परखती है. और I don't know, I don't think so. She herself knows where her loyalties lie. Not for right now. मजे की बात तो ये है कि इस घर में सब लोग अब्यूज करते हैं, सब लोग अंग्रेजी में इतना बात करते हैं,
मुझे तो हैरानगी है कि हमारे टाइम पे तो दंड वंड मिल जाते थे, ठीक है ना। अंग्रेजी तो ऐसे चलती है जैसे पता नहीं क्या है, हम लोग तो इंग्लिश शो देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग बिग ब्रदर, ऐसे लग रहा है बॉस, ऐसे लग रहा है। और यहाँ पे तो पहली बार ऐसे कंटेस्टेंट्स देख रही हूं मैं जो बिग बॉस की भी नहीं सुन रहे हैं। बिग बॉस खेल क्या रहे हो आप कुछ नहीं खेल रहे हो, ये आपको खेल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है। तो यू डोंट थिंक दैट दे आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग देम, दे आर प्लेइंग यू डार्लिंग। सो दैट्स वन थिंग। एंड सेकेंडली आई वुड लव टू से दिस वन मोर थिंग, कि खाना पीने को लेकर, ओके, हमारे टाइम पे भी खाने पीने को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है जितनी कि इस बार तो प्रॉब्लम्स का नाम ही नहीं होना चाहिए। इतनी सारी फैसिलिटीज, इतनी सारी सहूलियतें दी जा रही हैं, माय गॉड, हमने आमंड बटर, हमने वीगन फूड, हमने ये मिल्क, हमने वो मिल्क, हमने कभी नहीं सुना था ये। मेरे टाइम पे एक लाल पालक एक सब्जी आती थी, और सेकेंडली मेरा सेट लोनावला में होता था, ये टन सिटी में है, तो प्रॉब्ली प्रोविजन ज्यादा है यहाँ पे, यू नो। सो या, सो आई सपोज, बट आई डोंट नो व्हाट दे आर कंप्लेनिंग अबाउट, आई हैव नो आइडिया। हमारे टास्क दो दो दिन चलते थे, मैंने इनका एक टास्क नहीं देखा है। आधे दिन का टास्क होता है इन लोगों का, नॉमिनेशन का हो फिर चाहे लग्जरी बजट का टास्क हो। हमारे सीजन पे जाके देखो, दो दो दिन तक हम धूप में रात भर बैठते थे, डे नाइट करते थे। और जहां तक आप लोग मुझे बोलते हैं ना कि हमने भी अपने टाइम पे कांड किया है, हाँ कांड किया है, मैंने तो बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं। एक तो बहुत बड़ा कांड किया था बिग बॉस के कहने पे ही, सबसे बड़ा सीक्रेट टास्क उन्होंने मुझे दिया था, याद करिए। अगर वो मुझे नहीं सीक्रेट टास्क देते तो मैं वो कुछ भी नहीं करती, खेल उसको बोलते हैं भाई। शालीन मानोट की अभी क्या ही बात करें, शालीन की कुछ क्या ही बात करें, यू नो, इन द सेंस के ऑल आई हैव हर्ड इज चिकन 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 चिकन, एंड द वे ही टॉक्स टू टीना एट टाइम्स, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ द हेल कैन इवन शी इवन सिट विद हिम द नेक्स्ट मोमेंट। वन मोमेंट शी इज इरिटेटेड एंड यू नो एंग्री, नेक्स्ट मोमेंट शी इज विद हिम, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी इन माई हेड एनी मोर, यू नो। तो उसके बाद में हाँ जी गढ़, ओके बाय, भाड़ में जाओ तुम भी। सो या, though I was never going to react to anyone saying, और अब कौन बचा है, ओ एमसी स्टैन। एंड लेट मी कम बैक टू शिव अगेन। जब शिव और अर्चना के बीच में जब जो भी इंसिडेंट हुआ था, आई wasn't टेकिंग एनी sides, बट आई थॉट अर्चना was extremely रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, extremely रॉन्ग। प्रोवोकेशन हुई है, yes, पर ये कोई पहली बार नहीं हुई है कि प्रोवोकेशन हुई है इस घर में। ओके, अब एक नया रूल बना है कि आउटसाइड चीजों को लेके प्रोवोकेशन नहीं होगी, ओके, फेयर इनफ, यस, दैट आई अग्री विथ, बट प्रोवोकेशन पहले भी हो चुकी है इस घर के अंदर। शिव उस वक्त, शिव ने कुछ नहीं किया, लोगों ने उसको भी एक प्लान प्लॉटिंग समझा, आई डोंट थिंक सो दैट वॉज द केस, बट यस, उसने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी टू ट्रिगर। अनफॉर्चुनेटली अर्चना अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पाई, बट वो कंट्रोल उसके हाथ में था, उसको सेकेंडली वापस से एक चांस दिया गया। एंड जहां तक शिव प्रोवोकेशन की बात करता है, तो मैंने खुद एपिसोड देखा है एक, जहां पे शिव सडनली प्रियंका साजिद से बात कर रही थी किसी चीज के बारे में, हाँ दैट वॉज दैट बजर अराउंड, वो 25 लाख वाला बज अराउंड। उसके बाद में शिव हैज कम राइट अप टू हर फेस एंड ही हैज डन दिस टू हर, ये चल 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 निकल। यार आप अपने घर वालों में जो भी औरतें हैं, लेडीज हैं, आप सबसे ऐसी बात करते हो, चल 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 निकल निकल निकल, यू नो। फॉर अप अंटिल नाउ आई थिंक प्रियंका हैज हेल्ड हर गेम वेरी स्ट्रांगली, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद इट, वेरी वेरी स्ट्रांगली। हाँ, वो हर किसी के मुद्दे में अपनी टांग अड़ाती है बॉस, लेकिन उसने कभी भी अपनी हद पार नहीं की है, कभी भी, यू नो। ये चल चल, ए चल 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 चल, ऐसे ऐसे बोलना, ए चले, मतलब ओ हो क्या है। फिर आप बोलेंगे दूसरी तरफ के, अरे हम सब इस घर में एक ही हैं, तो फिर एक ही हैं तो फिर क्यों इतना रोना रोड़ा, जब किसी लड़की ने किया तो मत करो, सब एक ही है ना, तो एक ही जैसे रहो फिर, that's what I mean। And secondly, आ जाते हैं MC Stan पे, आप बात करते हैं
यहाँ वहां की, आप कभी अपने मूड में आ जाते हैं, आप कभी अपने खुद के लोगों से बात नहीं करते, ओके चलो गिव इन होता है उस घर में, कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है, कभी कभी अकेले रहने का मन करता है, यूनी यूनी मी टाइम चाहिए होता है, पर उसके बाद में आप बातें कैसे करते हैं सर, आप लोग बातें कैसे करते हैं? चलो हम लोग तो टीवी एक्टर है, हम लोगों को तो लाउड बात करने की आदत है, क्योंकि हमारी तो ट्रेनिंग वैसी हुई है ना, हम तो वही ट्रेनिंग स्कूल से आए हैं लाउड ड्रामेटिक बात करना, क्योंकि हम लोग तो एंटरटेनर्स हैं। आप क्या करते हो, आप क्यों कर रहे हो वही चीज बताओ ना, आप सेम टू सेम चीज क्यों कर रहे हो फिर, व्हाई आर यू गेटिंग लाउड? अगर इतनी ही डिग्निटी है तो रखो ना, मेंटेन रखो उसको। ए शिमड़ी क्या लैंग्वेज है ये, नथिंग, कुछ नहीं, ये हवा है, ये सब तोप है, हमको भी आती है ये लैंग्वेज। और जो लोगों ने बीच बीच में मतलब ये कमेंट्स माने थे ना, ओ हो किस, ये देखो ये नॉन महाराष्ट्रियन सेलिब्रिटीज, ओ भाई बॉम्बे की पली, मुंबई आमची मुंबई की पली बड़ी हूँ मैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप वेरी मच इन आमची मुंबई, तो जो भी कुछ बोल रहा है ना थोड़े अपने फैक्ट्स चेक करो, उसके बाद में मुझसे बात करना, समझे तुम? अरे फालतू की बकवास तुम लोगों की, कभी कभी मुझे हंसी आती है तुम लोगों का ये देख के, आई टेल यू लाइक सीरियसली, मैं तो समझ नहीं पाती कि आप लोगों का इतना वेला टाइम कहाँ से होता है। हम लोग तो भी कभी कभी थोड़ा बहुत जब देख लेते हैं तो कमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस शो का पार्ट रह चुके हैं, यू अंडरस्टैंड? आप लोग इतने नहीं है, क्योंकि हमको समझ में आता है अंदर डायनेमिक्स कब बदलते हैं कब नहीं बदलते हैं। और हाँ, हम टीवी एक्टर्स हैं, वी आर प्राउड टू बी ब्लडी टीवी एक्टर्स, एंड ओ गाइस, बिग बॉस इज अ टीवी शो, गेट दैट वेरी क्लियर इन योर हेड्स, गेट दैट वेरी क्लियर। वैसे भी आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट आधी फिल्म इंडस्ट्री तो टीवी पे ही आई हुई है, उसका क्या करेंगे हम, दैट्स अ फैक्ट, सो लेट्स गेट फैक्ट्स राइट, लेट्स नॉट डिमीन टीवी एक्टर्स, बहुत हो चुका ये पुटिंग टीवी एक्टर्स डाउन ऑन एवरी लेवल, यू नो टीवी एक्टर्स, टीवी की वजह से हम हैं, टीवी की वजह से आप भी हमको दिख रहे हो एवरी डे, समझ में आ रहा है कुछ, वरना कौन देखता है? क्या बात करते हो यार, कुछ भी बात करते हो आप लोग कभी कभी, और मेरी कोई सटकी नहीं है, मुझे सिर्फ आज रेंट पे जाना था, बिग बॉस में सबकी आप बड़बड़ मोटर मोट सुनते हो, तो आज मेरी सुन लो, क्या जाता है उसमें, है ना, बस यही बोल रहा था। अभी एक काम करो, अभी आप जाके ना जितनी भी विशेष टिप्पणियां देनी है ना, और मेरा ये लाइव बार बार देखना, और मैंने जिस जिस के बारे में जो जो बोला है ना, वो दोबारा एक बार सोचना जरूर कि कौन क्या करता है। बुली सब लोग कर रहे हैं उस घर में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक बंदा कोई बुली कर रहा है या दो बंदे कोई बुली कर रहे हैं, बुली सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आप किसी के पर्सनल करियर ग्राफ पे जाते हो, आप किसी के उस पे जाते हो, अरे स्टैन भाई तुमको किसी ने बोला है तू तो सिर्फ रैपर है चल तू रैप कर, नहीं ना, तो आप किस हक से बोलते हो, मत बोलो, डोंट गेट ऑन टू एनीबडीज करियर, डोंट गेट ऑन टू एनीबडीज, जो जिसकी वजह से उनका घर उनका किचन चलता है, यू नो उनकी लाइफ चल रही है, बड़ी मुश्किल से 2 साल बाद लाइफ वापस से सबकी सेट हो रही है थोड़ी सी, एंड बाय द वे हू नोज, आप लोग भी अपनी अपनी 2 साल की कमियां पूरी करने ये लाइफ सेट करने वापस आए हो इसी बिग बॉस में, शुक्र मनाओ आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, दैट्स इट। वॉट अबाउट अंकित, गाइज वो जब कुछ करेगा तब मैं कुछ बोलूंगी ना उसके बारे में, वो कुछ कर ही नहीं रहा, प्रियंका उसको मोस्ट ऑफ द टाइम करने नहीं देती, और जब वो करने की कोशिश करता है बट देन ही शट डाउन अगेन, अनफॉर्चुनेटली यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। ओ मेरे फेस पे कुछ गुस्सा नहीं लग रहा है, लेकिन बस मैं थक गई हूँ अभी, ये ना कचरा पट्टी सुनते सुनते। ओ और मजे की बात है, टीवी पे ही आके बोलते हैं टीवी एक्टर, अरे हाँ टीवी एक्टर है भाई, क्या कर लोगे, तुमको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तुमको जेलेसी है, नहीं ना तो मत क्यों बोलना, मतलब अरे यार तुमको इज्जत भी चाहिए और दूसरे को बेइज्जत भी करना है, किस बिना पे तुमको इज्जत चाहिए, बस है वही हलवे में, क्या कहां से आए हो जब आप दूसरों को बोल सकते हो तू कौन है तू मारा नहीं, तो आप लोग कौन हो, कहां के आए हुए हो, कौन से देश के राजा रानी हो, सोच के बताना गाइस, ये मेरा ये लाइव जरूर देखना एक बार, पूरी तरह सुनना और फिर बोलना कि यहां पे कौन किसनी किसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हर मोड़ पे हर कदम पे डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, हर कदम पे, कभी लड़की लड़के की कर रही है तो कभी लड़का लड़के की, कोई किसी को स्पेयर नहीं कर रहा है यहां पे, और यहां पे
बिग बॉस तो कोई गेम नहीं खेल रहे, मेरे हिसाब से कोई गेम नहीं खेल रहे। वो बीच बीच में टुचकी टुचकी में वो आके बोल देते हैं और थोड़ा सा खुश कर देते हैं कंटेस्टेंट्स को अपनी आवाज सुना के, बट वो कंटेस्टेंट्स बेसिकली एंड ऑफ द डे वही कर रहे हैं जो उनको करना है। आपकी नहीं सुन रहे इस बोले में मत रहना कि यू आर रनिंग द शो बिग बॉस, यू आर नॉट रनिंग द शो, दे आर स्टिल रनिंग योर शो। अनफॉर्चुनेट, दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द मेजर ट्रूथ ऑफ दिस। तो एनी वे गाइज, आज के लिए मेरा बिग बॉस का जो ये है बोलते हैं लाइव सेशन खत्म हुआ। इसके बाद ना मैं कभी इस बात पे क्लैरिफिकेशन करूंगी। अगर वापस से सुनना है तो ये वक्त वीडियो को लाइव वापस से मेरे लाइव वीडियो को देखना और गौर से सुनना मैंने क्या बोला है और क्यों बोला और किस रीजन से बोला है। और हाँ, जो लोग बोलते हैं ना अरे यार मुझे पैसे मिलते हैं ये नेगेटिव ट्वीट्स करने के लिए या नेगेटिव कॉमेंट्स देने के लिए या पब्लिसिटी के लिए, बॉस मेरे को क्या पब्लिसिटी चाहिए, मैं जीत चुकी हूँ।